नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आपने सड़कों पर ट्रैफिक जाम तो अक्सर देखा होगा, खुद कई बार उस जाम में फंसे भी होंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर समंदर की लहरों पर ट्रैफिक जाम लग जाए तो क्या होगा। एक भारी भरकम मालवाहक जहाज समंदर में ऐसा फंसा है कि अपने पीछे उसने कई दर्जन जहाजों को अटका लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, मिस्र की स्वेज नहर में मंगलवार को एक विशालकाय कार्गो कंटेनर शिप फंस गया और ऐसा फंसा कि इसके पीछे एक के बाद कई जहाज अटक गए, मतलब भयंकर जाम लग गया। हालात ऐसे हो गए कि ये चेतावनी जारी करनी पड़ी है कि अगर इसे जल्द नहीं हटाया गया तो इस रास्ते से होने वाली ग्लोबल सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। marinetrafficking.com के अनुसार जहाज का अगला हिस्सा नहर की पूर्वी दीवार को छू रहा है, जबकि इसका पिछला हिस्सा पश्चिमी दीवार के काफी करीब है। कई सारे छोटे जहाज इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं और इसे आगे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कंटेनर शिप के फंस जाने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगा हुआ है। स्वेज नहर पश्चिम से पूर्व में आने जाने का एक शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता है और इस नहर से जहाज भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस वक्त वही रास्ता जाम हो गया है। इसी नहर के रास्ते हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े जहाज यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप तक जाते हैं। लंबे समय तक ये रास्ता बंद रहने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए यूरोप तक जाना पड़ेगा। जिस कंटेनर शिप की वजह से ये जाम लगा है वो एवर गिविन पनामा का जहाज है। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे एक ताइवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन संचालित करती है। कंटेनर शिप चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम के लिए जा रहा था और इसने हिंद महासागर से यूरोप में जाने के लिए स्वेज नहर का रास्ता चुना, लेकिन मंगलवार की सुबह स्वेज पोर्ट के उत्तर में फंस गया। एवर गिवन के चालक दल ने बताया, स्वेज नहर को पार करते समय आए हवा के एक तेज बवंडर की वजह से उनका शिप घूम गया। बाद में जब उसे सीधा करने का प्रयास किया गया तो इसने नहर की चौड़ाई में घूमकर पूरे ट्रैफिक को ही जाम कर दिया और अब हालात ये हैं कि छोटे जहाजों से एवरग्रीन को सीधा करने में दो दिन का समय लग सकता है। स्वेज शहर के पास नहर के दक्षिणी मुहाने के पास ये जहाज फंसा हुआ है। यहाँ जहाजों के लिए सिंगल लेन है। हर दिन स्वेज नहर से 50 मालवाहक जहाज गुजरते हैं। नहर के बंद होने से कोई भी जहाज उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं जा पाएगा। आपको बता दें कि 2018 में बने इस जहाज की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। इस पर एक बार में 20,000 कंटेनर्स को लादा जा सकता है। 1869 में खुली स्वेज नहर तेल, प्राकृतिक गैस और कच्चे माल को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने वाले मार्गों में से एक है। दुनिया का 10% व्यापार इसी रास्ते से होता है, जिस पर इस वक्त जाम की स्थिति बन गई है। जरा सोचिए कि ये हालात सड़क पर पैदा हुए होते तो कैसा होता। एक बड़ा ट्रक बीच सड़क पर फंस जाता और सारी गाड़ियां उसके पीछे, पर ट्रक से सड़क पर उतरकर तो टहला भी जा सकता है, लेकिन समंदर में तो कोई उपाय भी नहीं है। जब तक जहाज निकलता नहीं तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।